दिल्ली डूबी हुई है, यमुना डेंजर लेवल के आसपास है। आईटीओ राजघाट, यमुना बाजार और मयूर विहार समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। खतरा अभी बरकरार है, दिल्ली की जनता परेशान है, दर बदर भटकने को मजबूर है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्लेम गेम की राजनीति भी अपने उफान पर। दिल्ली को बाढ़ की समस्या से अभी तक पूरी तरीके से निजात नहीं मिली। यमुना का वाटर लेवल अभी भी खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बेंगलुरु में हैं। विपक्षी दलों के साथ लोकसभा चुनाव की रणनीति बना रहे हैं, इसी को लेकर के बीजेपी ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर गए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम पर करारा प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के नेता जिम्मेदारियों से आखिर कब तक भागेंगे? देश की राजधानी को डुबो दिया है इन लोगों। तो दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने सीएम केजरीवाल पर जिम्मेदारियों से भागने का आरोप लगाया। साथ ही आरोप लगाया कि दिल्ली को बाढ़ से बचाने के लिए अपेक्स कमेटी की अब तक बैठक नहीं हुई। अपेक्स बॉडी की मीटिंग सवाल उठता है ना कि आपने कब किया, लेकिन पिछले दो साल से तो कोई मीटिंग ही नहीं हुई। सरकार पर उठे सवाल तो बचाव करने आम आदमी पार्टी खुद सामने आई और बीजेपी पर पलटवार किए। भाजपा मीटिंग्स में आते ही नहीं है। गौतम गंभीर जी को बुलाया गया था और वो जलेबी खाते हुए पाए गए थे इंदौर में। साफ है, दिल्ली में पानी का लेवल कम हो रहा है और न ही राजनीति का मीटर। तो न्यूज एंड व्यूज में बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार की, जहां पर आज एक वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट टर्मिनल की सौगात मिलने जा रही है। पीएम मोदी पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और इसके अंडमान निकोबार की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। आइए आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं। एयरपोर्ट के टर्मिनल का आर्किटेक्चर और डिजाइन समुद्र और द्वीपों की थीम पर रखा गया है, जो एक शंख के आकार में बनाया गया है। इस नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल को लगभग 710 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। एयरपोर्ट का ये नया टर्मिनल करीब 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें हर साल करीब 50 लाख यात्रियों के आवागमन को संभालने की क्षमता होगी। एयरपोर्ट पर 80 करोड़ रुपए की लागत से दो नए एप्रन बनाए गए हैं, जिससे एयरपोर्ट में अब एक समय में 10 प्लेन की पार्किंग क्षमता होगी। We are already connected to Calcutta, Vijayawada, Chennai and Delhi. And in the coming days and weeks, we'll see more airlines, more connectivity, more routes. अंडमान और निकोबार के प्राचीन द्वीपों के एंट्री गेट के तौर पर पोर्ट ब्लेयर सैलानियों के लिए बेहद पॉपुलर डेस्टिनेशन है। ऐसे में ये नया टर्मिनल एयर ट्रैफिक को बढ़ावा देने के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा देगा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।